झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के केरा गांव में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ग्रामीणों की एक बैठक अमूल्य कुमार दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 19 फरवरी शुक्रवार को केरा गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सुबह ब्रह्माणी नदी से 108 कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं मंदिर में कलश स्थापना के पश्चात दोपहर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव एवं यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर समिति के सक्रिय सदस्य कामाख्या प्रसाद साहू ने कहा कि केरा गांव में सन 1812 ईस्वी में स्वर्गीय योगेंद्र आचार्य द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कर पुजारी समेत अन्य विधि व्यवस्था स्थापित किया था। इसके पश्चात 209 वर्षों से विधिवत पूजा अर्चना किया जा रहा है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए राजा लक्ष्मी नारायण सिंह देव द्वारा जमीन दान दिया गया था। वर्तमान में पुजारी अशोक कुमार दास द्वारा पूजा अर्चना किया जा रहा है। मौके पर शरद नंदा, सदानंद होता, गुरु प्रसाद साहू, प्रदीप सिंह देव, बलराम साहू, कार्तिक पंडा, भूदेव दास, अशोक दास, सिद्धार्थ सिंह देव, बीरबल साहू, गोपाल महापात्र, अंशु सिंह देव, राजीव कुमार सिंह देव, हिंदवर सिंह देव समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भवतु में आज श्री जगन्नाथ जी के असीम अनुकंपा से मंदिर का रसोई घर निर्माण हुआ श्री हिमांशु महापात्र के द्वारा। आज हिमांशु महापात्र ने एक ऐसा काम किए कि श्री जगन्नाथ का जीर्ण उद्धार करके उनको फिर लोकलोचन में लाए, यही उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मूर्तये सहस्र पादा केसर रूपा होवे सहस्र नामाग्ने पुरुषाय श्वास सहस्र कटि युग धारणे नमो नमो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथाय नमो बलभद्राय नमो सुभद्राय नमो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर 1812 में स्थापित हुई, जो इसका स्थापित करता है जगेंद्र आचार्य, उन्हें स्थापित किए और इनका राज परिवार से एक पुजारी रखे और पुजारी को अपना जमीन जगह देके वो पुजारी को भी रखें। अभी भी वो लोग पूजा कर रहे हैं, वो पूजक हैं। अरे हम लोग का उद्देश्य है कि पहले कभी भी लक्ष्मी या लक्ष्मी का भंडार नहीं था, और ये हम लोग एक मीटिंग में बैठक में निर्णय मन लिए कि लक्ष्मी भंडार होना चाहिए, जो कि प्रतिदिन यहाँ अन्न का भोग लगना चाहिए। यहाँ के दाता हम लोग को आए जो कि लंदन में रहते हैं, हिमांशु महापात्र, और ये बोले कि ये हम काम करेंगे। हम लोग बैठक किए और बैठक में ये सर्वसम्मति पारित हुआ। ये अपना अनुदान से, अपना व्यक्तिगत से ये अपना बनाए और हम लोग को बोले कि सहयोग आप लोगों को करना। हम लोग जितना भी सहयोग कर ही रहे हैं अभी तक कर रहे हैं। अरे प्रोग्राम है ये 19 तारीख को जो प्रोग्राम है सुबह 6:30 बजे से 7:30 तक कलश यात्रा होगा नदी से, और 7:30 से 1:30 तक ये प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का यज्ञ होगा, विष्णु यज्ञ, और 3 नंबर में 2 बजे से पूर्णहुति एवं महाप्रसाद का वितरण होगा, और 2:30 से भजन कीर्तन रात भर ये चलेगा। और ये पूरा गांव का सहयोग है, सब मिल के हम लोग एकत्रित हैं, सब गाँववासी सब मिल के बैठक किए हैं, और हमेशा हम लोग का सहयोग मंदिर के प्रति चलते रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।